बस हादसे में मारे गए गिरिडीह सिख समुदाय के 8 जत्थेदारों के आश्रितों को शुक्रवार को मुआवजा का चेक सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सौंपा। सीएम हेमंत सोरेन से मुआवजा की स्वीकृति मिलने के बाद 8 परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा सौंपा गया था, तो बस हादसे में गंभीर और मामूली रूप से जख्मी हुए करीब 45 घायलों को 50 और 25 हजार के मुआवजा का चेक दिया गया। मौके पर सदर विधायक सोनू ने कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया। इसके पीछे हेमंत सरकार की सोच थी कि हर हाल में पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। मैं इस बात को आपके सामने घोषणा करता हूं कि झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क दुर्घटना का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सिख संगत को मिला। कुल मिलाकर 47,75,000 रुपए का मुआवजा दिया गया और मैं इसमें महत्वपूर्ण यह मानता हूँ कि वाहेगुरु की कृपा थी कि वाहेगुरु ने हम लोगों की कोशिशों को आसान किया और आपको कहीं ना कहीं मदद पहुँचाने की जो कोशिश थी, फ़ायदा पहुँचाने की जो कोशिश थी, ये कामयाब हुई। आइए हम इतना ही दुआ करें कि इस दुर्घटना में जिन 8 लोगों की मृत्यु हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और जो लोग गंभीर रूप से और गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ईश्वर उनको यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। इस दौरान प्रधान गुरुद्वारा के सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सदर विधायक सोनू के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हेमंत सरकार और सदर विधायक सोनू द्वारा मृतकों और घायलों के परिजनों को राहत देने का काफी बेहतर काम किया गया। प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कदम से कदम मिला करके जैसे जैसा बताया गया तत्काल सारे पेपर्स वगैरह पूरे करवा करके और पूरी रफ्तार के साथ सारे काम कराए हैं। और इसके साथ में सिख समाज के भी कुछ लोग जैसे हरमिंदर सिंह बग्गा, परमजीत सिंह जी छावड़ा और लोग सब लोगों ने मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाया। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे विधायक जी ने श्री सुदीप कुमार सोनू जी ने यह काम किया है, इसमें मैं इनका अपने सारे सिख समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सारा सिख समाज इस बात को मानता है कि आपने बहुत ही प्रयास करके और बहुत ही अच्छे काम को अंजाम दिया है। सारा समाज आपका कृतज्ञ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर गुरुद्वारा में सिख सभा की ओर से सदर विधायक सोनू और अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा को भगवा सिरोपा और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा के नरेंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, राजू चावला समेत जेएमएम नेता अभय सिंह और सुमित कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।